जानता था मार के चला गया है ना। अब नौकरी में है यार, मजबूर हूँ कसम से, नौकरी में एक तारे वाला है। हाँ कतो इसे ऊपर होते हूँ तो अरे कौन मार दे तो सारे का हड्डा फाड़ जाते। हाँ अतरे कहे हूँ ज्यादा नहीं तुम बहन जस गुर्रात रहे, मैं इशारा बस का ही देते हो। अब तुम मोर साथ बस दे देते, ताली बस बजा देते हो, कसम मारी की मार के टीला पांच भाग जाते हो। हाँ और इतने नहीं, कसम मालिक की ये साला लमटंगा जौन है ना साला चंद हुआ। हाँ मोर ऐसे बहुत दिमाग खराब है, नहीं तुम आजमावे खोए आ बस जाए बस साला। ना मैं कुछ बोलो इशारा करो ताली बजावे लागो। अब कसम मालिक की वह आलम पूरी फाट बना पेलो सर एक बांसा फाट जाए। हाँ लेकिन कौनो पर नहीं, मान ली सर मौका पाए रहे और जब ने टाइम पर हम पाएगा वह सर एक पकड़ के घड़ी चलाई जाब वह गई। हाँ मारिस भले डरा तो बहुत है हमका। हाँ इतना डरात कि बहन डांट तो कसम से आँखी कैसे पेशाब करे ला गई। हाँ चल अब पचा हराम खोर, अब पकड़ के घड़ी चलाई गए वो कैत मानो फिर ये ठाइये हाथे में गोड़ पकड़ब और ये ठाइये गोड़े तरे दब और सर एक पकड़ के टानो की फाट डाई हो जाते सर कया भाई बोली तो बहन बाप फल दिया। क्या तू बोलता था, क्या बोलता था साले हमारे खिलाफ इनको भड़काएगा? बिल्कुल न चाहे, आवाज उठाएगा न चाहे। ताली क्या बजावत है यार? हाँ रात भर जा इनका भाल दे कि हमारा नाम ठाकुर रंजीत सिंह है, अगर मेरे खिलाफ कोई आवाज उठाया। कोई ताली बजाया तैयार रख मैं लोगों को जिंदगी के। बजावत है राजन बढ़िया, चल मेरे साथ।
आप लोग नहीं जानते, मैं एक छोटा सा किसान हूं, लोग मुझे बड़कू के नाम से जानते हैं। हम अपने घर में चार प्राणी हैं, मैं और मेरी बीबी जिसका नाम लाजवंती है, मेरे पास दो बेटे हैं, बड़े बेटे का नाम जितेंद्र है, छोटे बेटे का नाम अमृत है। दोस्तों दोनों बच्चे मेरे पढ़ते हैं, किसी तरह मेहनत मजदूरी करके मैं उन्हें पढ़ाता हूँ। एक दिन मेरे पास पैसा नहीं था, मैं यहाँ के ठाकुर नटराज के यहाँ गया, वहां से 500 रुपए लाया, आज तक वो पैसा नहीं दे सका। डर लगा रहता है कि ठाकुर लोग हैं, किसी दिन आएंगे तो जरूर मारे पीटेंगे, इसलिए चलता हूँ, बेटों का इंतजार करता हूँ, आते होंगे तो आज उनसे कुछ बातें करूंगा। अरे कहे धरती मायरिया के जन्म में दुई ललनवा दुइनो देसवा बिलरिया, धरती मायरिया के जन्म में दुई ललनवा दुइनो देसवा बिलरिया, अरे बचावल हो दुइनो देसवा बिलरिया, बचावल हो। हाँ दोस्तों मैं भी चलता हूँ, आज काफी टाइम हो गई, अभी मैं स्कूल से अपने मकान तक नहीं पहुंचा। और नूरे मोहम्मद, अरे नूरे मोहम्मद मेरे सीने पे डाल दो, नूरे मोहम्मद मेरे सीने पे डाल दो।
दोस्तों, मेरे नाम जितेंद्र है। आज काफी टाइम हो गई और मैं अभी अपने बाबूजी के पास नहीं गया और ना तो आज राजू मिला। और क्यों राजू, बहुत दिन क्या कर रहा था? बहुत दिन में यार मिले, मैं जाना थोका कर रहे हूं। क्या करता था? अरे यार जब जब नहीं मैं जा रहे स्कूल और स्कूल जाते जात ये तो मुको खबर चली कि आज मेला बहुत हार्ड लाग है। तो मेला लाग है कसम से, बस मैं मेला आ जाता हूँ। मेला गया तो नहीं? अभी नहीं गया, अब जाता हूँ। तो यार मैं भी चलूंगा। मैं भी चलूंगा। तो चल तो ही, कौन रोके का? यह तो तेरे पास पैसे है? कौन दोस्ती सलामत रहे, खर्चा अपन अपन। देख तो यार, यार काहे का? आज मेरे पास पैसे नहीं है और तू अकेले मेला घूमेगा, अपने दोस्त जितेंद्र को नहीं ले जाएगा? यह हम सब दोस्ती पैसे से नहीं करे। फिर अगर तू ही मेला चले खो तो बता, पैसे हो नहीं मचाऊ। अपने पैसे से मुझे मेला नहीं दिखाएगा? मैं भाई ये खर्चा पानी न दे। तो तू ठहर, मैं अपने बाबूजी के पास जा रहा हूँ। आज बाबूजी से कोई ना कोई बहाना ढूंढ के और उनसे 100 रुपए मांगूंगा, फिर मैं तेरे साथ मेला देखने चलूंगा। एक बात है, मैं तेरे घर के पहरवा ठहर रही हूँ। देख राजू, मेरे बाबूजी बहुत गुस्सेल है, अगर वो जान जाएंगे कि राजू मेरे बेटे को मेला लेके जा रहा है तो पैसा भी नहीं मिलेगा और 2-4 हाथ ऊपर से मिलेंगे। एक बात बता दो तो ही, मैं 5 मिनट ताक सकते हूँ। 5 मिनट में तैयार जाइए तो ले चलियो, नहीं मैं चला चुला जाइए। मगर तू मेरे मकान नहीं आना। हाँ यार नहीं हो ठीक, लेकिन टाइम हो गया, धोखे से कतो आ गया, मूड बदल गया तो मेले को नहीं बताना। ठीक ना बताइयो, तू यही रहो, मैं आ रहा हूँ। हाँ ठीक। पिताजी के चरणों में बेटे का प्रणाम सत्कार हो। अरे बाबूजी के अरे चरणों में और लाल झुकाए, तुम जियो और निशन निभाए। बाबूजी बेटा, मैं आपके पास आया हूँ इसलिए, एक उम्मीद लेके। बोल, मुझे आपसे कुछ कहना है बाबूजी। बिल्कुल कहो बेटा, दिल खोल के कहो। लेकिन आपसे कहने में डरता हूँ कि कहीं आप नाराज ना हो जाए। बेटा नाराज वाली बात होगी तो नाराज होगा, अगर नाराज वाली बात नहीं होगी तो नहीं नाराज होगा। मैं आपसे कुछ कहूँ तो नाराज तो नहीं? नहीं, बोल। अरे मुझे दीजिए रो प्यासो पिता, आप से
बेटा तुझे मालूम है कई दिन से मैं काम पे नहीं गया और ना ही काम मिलता है और पैसा करेंगे क्या बेटा? और चुकी का पिया है और पता था पिता के और मुझे दीजिए बाबूजी। हाँ। आज मेरे पास कुछ कापियां नहीं है। अच्छा ए राजू चले खो पता तो मचाऊं। इसका मतलब कोई राज है। राजू बात क्या है? कहाँ बात थी? कहाँ की तैयारी बन रही है? अरे ये मुहिम पर खा बैठा है। कुछ नहीं बाबूजी, इसको भी किताब लेने मेरे साथ जाना है चौराहे तक। जल्दी मिल जाए, मेला जाए कहाँ? समझा बात को। बेटा चली तो मेला देखने के लिए पैसा मांग रहा है। नहीं मेरे लाल, ऐसा मत कर। इस मुसीबत से मैं तुम्हें दोनों को पढ़ा रहा हूँ और आज तू मेला देखने की तैयारी बनाए। हाँ बाबूजी, अगर आप जाने गए हैं और राजू ने बता दिया है तो आज आपका बेटा जितेन आपसे 100 रुपया मांग रहा है सिर्फ मेला घूमने के लिए। अरे बेटा ऐसा मत कर, जिन हाथों ने तुझे खिलाया है आज वो हाथ तुझ पर उठाना पड़ जाए मेरे लाल। वाह बाबूजी, कहाँ मान जा मेरा। मैं तो सोचता था तू बुद्धिमान है और बड़ा है, समझदार है, मगर आज तू मेला देखने की तैयारी बना रहा है। बाबूजी मैं कहता हूँ नहीं जाना मेला देखने। अगर तू मेरी ख्वाहिश और मेरी तमन्ना को नहीं पूर्ण कर सकते तो मुझे क्यों पढ़ाते हैं? मैं आज के बाद पढ़ना भी नहीं। कहाँ मान जा बेटा। अरे जो बेटा माँ बाप का कहा नहीं मानता वो सदा खराब होता है। और मेरे दिल के अंदर कितने बड़े अरमान थे कि मेरे पास दो बच्चे हैं, पढ़ाता हूँ, किसी दिन पढ़ लिख करके एक नेक इंसान बनेंगे। आज तू जिद कर रहा है, मेला नहीं जाना है और ना ही जाने दूंगा, ना ही पैसा दूंगा। अरे बाबा जी दो रुपया और जाऊं मेला। आपने 100 रुपए खातिर आज अपने बेटे को पर हाथ उठा दिया। हाँ, कहा नहीं मान रहा इसलिए। वाह बाबूजी, अभी अमृत होता 100 मांगता तुझसे 200 मिल जाता। वो छोटा है लेकिन मैं आज 100 रुपया मांगा तो आज तुमने अपने बेटे जीतेन के पर हाथ उठा दिया। हाँ, तुझे समझा रहा हूँ, तू समझ नहीं रहा है। बाबूजी आज के बाद तुम्हारा बेटा जीतेन
इस घर में नहीं रहेगा। आज के बाद ये घर छोड़ के तुम्हारा बेटा तुमसे बहुत दूर जा रहा है बाबूजी। अरे अब ये जीतन उसी दिन लौट के आएगा जिस दिन अपने पैरों से खड़ा हो जाएगा। अच्छी बात है, मैं देखूंगा जिस दिन तुम अपने पैर से खड़ा हो जाएगा। और चलन की दुनिया बाबूजी सुन रहा हूं, और चलन की दुनिया हो चलन की दुनिया। अरे बाबू छुई गई चरनिया हो चलन घर। जिस समझदार होकर आज से बच्चा समझ नहीं रहा है इस बात को इसके माँ से बताता हूं। चलता हूं जोशी अभी उस मकार पड़कुआ का खेत कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं ना साहेब, बस नचका ही नामा है। आप चली जाए आप साहेब, आप साहेब साहेब आओ, आप साहेब आप साहेब फूट जात आराम ज्यादा कहीं का हिरमिंजी फूट जाती। आओ साहेब आओ, चल जल्दी से। बाप रे निहुरा निहुरा आ रहा है। देख ठाकुर साहब तो क्या बड़कू तुझे शर्माई लगी हमें सरकट झुके मक्कार हराम और देख पाया नहीं सरकार आएगा।
भुक्ताल जी। मैं आपको नहीं देख पाया सरकार, मुझसे गलत हो गया। अबे बरकुला से कितने वर्ष बीत गए जब से कर्ज ले गया, तेरे सरकार क्यों किया? आज इसी वक्त हमें पूरा रुपया चाहिए, क्यों ना जीते? मेरे पास पैसा नहीं है। अरे चुमता मुचर ठाकुर साहब, अरे चुमता मुचर ठाकुर, मैं आपके चुमता। अबे साले इसको मार रहा है, हमको मार रहा है। अरे तू कब मर, तर तर पिया तू कब मर? बलखुआ बोल, हमारा सारा कर्जी आज इसी वक्त दे गया नहीं। सरकार मुझे कुछ दिन और पैसा तुझे अब तो दे। अरे पैसा तुझे अब तो देना पड़ेगा, आता की बार हर तक। मेरे पास नहीं पैसा, कुछ दिन की मोहलत दे दो, फिर मैं तुम्हें पैसा दूंगा। अरे जमनवा बैरिना हो, जमनवा बैरिना नहीं लागे मोरा ठिकनवा। हम रखाए बदन मुरारी हमरे ऊपर।
रजिते इस मकान को कैद करके खसीटते हुए हवेली ले चलो। रात के बजर बांध साले को कुत्ते को बांध हरों ना देखो। हराम जादे तेरी औकात कि तूने ठाकुर रंजीत का बांधोले चल साले को हवेली ले बांटते होला साले को। राय दरबारी जी साहब उस बर्तिया को कैद करके सलाखों के अंदर डाल दिया। डाला सारा को घुसेर गया। ठीक किया। आज के बाद जब तक वो हराम जादा सारा कर्ज चुका नहीं देता तब तक उसको ना खाना दिया जाए आना एक बूंद। मारत मारत सारा का शैंपू हंस फुला दी हूँ। ठीक किया। लेकिन ये बता वक्त करीब आ गया है कॉलेज खुलने का वक्त है और अभी तक हमारी बेटी या तो बिंदिया आज राखी विशाला अभी तक आई नहीं है। अरे बैठो तुम बहन तुरंत बुलाओ। ठीक है प्लीज सिट डाउन।